और मैं ये बहुत बड़ा मंसूबा है, तकरीबन 5 साल में कम से कम ये 700 बिलियन रुपए का मंसूबा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा था कि लोगों को घर दे दो रहने के लिए, वो अपना घर बना दें, बाकी अपना काम जो है वो अपना किसी ना किसी तरह चला लेंगे। तो हमने इसको एक छोटे लेवल से शुरू किया था, लेकिन आपको ये जान के हैरानगी भी होगी, मुझे खुशी भी हुई कि लोगों का एतमाद है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर। कि मेरे पास ज़्यादा लोन नहीं थे इसके लिए, और हमने जो रकम मुख्तस की थी वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तकरीबन 5 लाख एप्लीकेशंस जो हैं वो हमें मौसूल हुई, और पंजाब भर से, हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें उनकी आबादी के तनासुब से इक्वल शेयर है। और अभी कुछ दिन पहले हमने इसको लॉन्च किया था, इसकी इस पे काम शुरू हुआ था, और अल्लाह ताला के फजल से आज हम पहले लोन्स देने जा रहे हैं। ये सब बेनिफिशरीज आपके सामने माशाल्लाह बैठे हैं, मेहरबानी मेहरबानी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लाख एप्लीकेशंस आई, उनको देखते हुए हमने कम से कम 5 लाख लोन्स देने का फैसला किया है, यानी कि अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। और ये हुकूमतें अगर ख़ुद बनाएं घर, तो उनमें प्रोसीजरल डिलेज भी आते हैं, रेड टेपिज़म भी आता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ और मामलात चले जाते हैं, टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि पहले मरहले में हम लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी ज़रूरत के मुताबिक, अगर वो ज़मीन के मालिक हैं, जैसे आपको अभी ये एक्सप्लेन किया गया कि शहरों में जो 1 से 5 मरले तक, और जो रूरल एरियाज़ हैं, देहाती इलाके हैं, उसमें 1 से 10 मरले तक, अगर आपके पास ज़मीन है, आपकी मलकियत है, या आपकी फ़ैमिली में किसी की मलकियत है, हमने इसका तरीक़ाकार इंतहाई आसान बना दिया है। मेरे पास ये सेक्रेटरी साहब, मैं शाबाश देना चाहूँगी, जो सेक्रेटरी हाउसिंग हैं कैप्टन असद, डीजी फाटा हैं, और जो उनकी पूरी टीम है, पीआईटीबी में इसमें शामिल है, मेरी टीम भी इसमें शामिल है, जिसमें सीनियर मिनिस्टर साहिबा और मेरे तमाम रुफका इसमें शामिल हैं, मैं सबको शाबाश देना चाहूँगी कि उन्होंने दिन रात इस ख्वाब को हकीकत बनाने में अपना किरदार अदा किया और उसको पॉसिबल बनाया। लेकिन मेरे पास कैप्टन असद जो हैं, वो जब भी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको कहते हैं, वो लेकर आए कि ये हम जो है वो एप्लीकेंट से मांगेंगे, मैंने उसके ऊपर बड़े बड़े 2 क्रॉस लगा दिए। मैंने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम एक आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो मांगेंगे, और अगर आपकी मलकियत में ज़मीन है तो वो ज़मीन का कागज़ जो है वो हमें दिखा दें और कर्ज़ा ले जाएँ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 15 लाख रुपए तक के कर्ज़े, अभी मेरे साथ एक खातून बैठी थी, तो इन्होंने मुझे बता, आप टीचिंग करती हैं ना प्राइमरी, मैं इनको आज पहली बार मिली हूँ, 100% मेरिट पे बैलेटिंग के ज़रिए ये कुरानदाज़ी जो है वो हर महीने होगी, और एक साल में कम अज़ कम, एक साल में इंशाल्लाह ताला 1 लाख कर्ज़े, 1 लाख घर हम देंगे। तो मैं अभी इनसे पूछ रही थी कि आप क्या करती हैं, कहने लगी कि मैं टीचर हूँ। तो मैंने कहा आपके घर की आमदनी कहाँ कितनी है, तो 60-70 हज़ार रुपया इनकी मियाँ बीवी की आमदनी है। तो मैंने कहा आपने कितने लाख रुपए कर्ज़ा अप्लाई किया, कहने लगी मैंने 15 लाख रुपए अप्लाई किया। तो मैंने कहा उसका क्या बना लेंगी, कहती हैं कम से कम उसमें हम अपनी फ़र्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो हम बना लेंगे, ताकि हमें अपना घर मिल जाए और हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएँ। इसी तरह मैं अगर एक से एक से बात करूँ, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें आएँगी, ये भी मुझे पता है, जब ये PITB फैसल है, मौजूद है यहाँ पर फैसल कहीं बैठे हुए हैं, उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि ये पूरी जो डेटा एनालिसिस है ये वो मेरे साथ करते हैं। तो हमें बहुत गरीब तबकों से भी ये दरख्वास्तें आई हैं, जिनके पास 1 मरला 1.5 मरला ज़मीन है, मेरे पास केस स्टडीज़ हैं। तो हमने ये कोशिश की है, मैंने इनको सख्ती से हदायत की थी कि 15 हज़ार रुपया महीने से बढ़ के किस्त नहीं होगी, तो हम उसको 14 हज़ार महीने पर ले आए हैं। अगर आप 15 लाख रुपया कर्ज़ लेते हैं तो आपको 9 साल में अपना कर्ज जो है वो अदा करना है, और सबसे बड़ी बात इसमें 0 सूद है, कोई सूद आपको 1 पैसा सूद में नहीं देना। अगर आप 15 लाख रुपए कर्ज देते हैं तो 9 साल के बाद, आज से 9 साल के बाद आपको 15 लाख ही कर्ज वापस करना है। तो सूद में हम आपको नहीं उलझाएंगे, इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं
कि जेन्युइनली आपकी मदद करे, जेन्युइनली आपके ऊपर बोझ ना पड़े, आपकी जेब पर बोझ ना पड़े। और वो जो महीने का किराया आप देते हैं वो भी आपका 14,000 से ज़्यादा है, तो हमने कोशिश की है कि जो किस्त हम रखें वो कम से कम हो, आपकी जेब पे बोझ ना पड़े। और हर महीने बैलेटिंग होगी, हर महीने बेनिफिशरीज और आएंगे और उनको कर्ज़े मिलेंगे। फिर तरीका कार ये होता है कि जब कर्ज़ा अनाउंस हो जाता है, किसी को कोई बेनिफिशरी सिलेक्ट हो जाता है, तो उसको चार एक साथ में कर्ज़े मिलते हैं, चार ट्रांशेज में उनको कर्ज़े मिलते हैं। तो मैंने उस पर भी क्रॉस लगा दिया, मैंने कहा कि दो दफ़ा में आप कर्ज़ा देंगे, आधा एक बार और आधा एक बार, ताकि जो कर्ज़ा लेने वाले लोग हैं उनको दर बदर की ठोकरें अगली किस्त के लिए ना खानी पड़े। और फिर जब आप इकट्ठा सामान कंस्ट्रक्शन का ख़रीदते हैं तो आपको सस्ता भी पड़ता है, तीन तीन महीने में अगर आप ख़रीदेंगे तो खुदा न खास्ता आपको तकलीफ़ का सामना पड़ेगा और हम करना पड़ेगा, और हम आपको तकलीफ़ से बचाना चाहते हैं। कोई हिडन इसमें चार्जेस नहीं है। तीन महीने पहले ही महीने से इन्होंने कह दिया था कि हम ये वापस देंगे, तीन महीने का ग्रेस पीरियड है, आप तीन महीने अपने लें, अपने घर शुरू करें, उसके बाद आपको जो है वो चौथे महीने आपको किस्त जो है वो अदा करनी पड़ेगी। इसको हमने बहुत आसान बना दिया है, हमने जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। इसी तरह हर शहर के अंदर डीसी ऑफिस में और हर शहर के अंदर मल्टीपल असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑफिस होते हैं, वहाँ पर भी हमने आपके लिए खसूसी सेंटर्स कायम कर दिए हैं, जिस पे आप जाएंगे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दरकार है, कोई आपको किसी किस्म की असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो वो भी आपको वहाँ से मिलेगी, ताकि आपको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। फिर इन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये कर्ज़ा है तो कोई ऐसी हमारी कोई ऐसा होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कर्ज़ा वापस ना करे तो हमारे पास कोई चीज़ गिरवी हो। मैंने इनको कहा कि अपने लोगों पे इतमाद रखें, आपका कर्ज़ा लेके कोई यहाँ से कहीं नहीं भागेगा, इंशाल्लाह आपका कर्ज़ा वापस आएगा। और एक हमने सस्ता आपका सामने रखते हुए कि आपके ऊपर माली बोझ ना पड़े, एक हमने उसका जो फसाद है घर का, जो आउटलुक है उसकी, वो हमने स्टैंडर्डाइज कर दिए, ताकि ये घर जो है वो पहचाने भी जाएं। और तमाम शहरों में आज इंशाल्लाह ताला ये कर्ज़े दिए जाएंगे। मैं कोशिश मेरी ये है कि कम से कम हर साल 1,00,000 हो, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह बढ़ाने की कोशिश करूँगी। जितने मेरे पास पैसे हैं, आपकी अमानत है, वो आप ही के ऊपर हम खर्च करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरह एक माँ को अपने बच्चों की फ़िक्र होती है कि उनके सर पे छत हो, माँ बाप हमेशा पूरी ज़िंदगी काम करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को छत मिल जाए, इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब को आपकी छत की फ़िक्र है, इसी तरह मरियम नवाज़ को आपकी छत की फ़िक्र है।